कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी घर में सेफ होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं भी अभी नहा के आई हूँ और आज मैंने बाल खोल लिए। ये देखिए, आज मेरा मन कर रहा था खोल लिए, पता है, पर कंघी नहीं किया है। मुझे कंघी, जब मैं कंघी करती हूँ ना तो बरसात के टाइम में पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे बाल इतने इतने निकल निकल के जा रहे हैं। और जिस चीज़ से रुकते हैं वो चीज़ मुझे पता भी है पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। पता नहीं कितने बिजी हो गए यार, सच में यूट्यूब ने बहुत बिजी लाइफ कर दिया है। चलो अच्छा है। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, आज मैंने ये वाला सूट पहना है तो ये ना बहुत टाइट आने लगा है मेरे। पता नहीं मैं मोटी हो गई हूँ, पता नहीं क्या है, मैं बहुत जल्दी मोटी हो जाती हूँ, बहुत जल्दी पतली हो जाती हूँ, पता नहीं चलता मुझे तो क्या है। और जब पतली होती हूँ ना तो जब मायके जाती हूँ तो मेरे ना मायके घर वाले इनसे कहते हैं क्या बात है तुमने हमारी लड़की को पतला कर रखा है, सुखा रखा है, क्या बात है। और जब मैं यहाँ वहाँ से आती हूँ तो यहाँ 2-3 महीने रहती हूँ तो मैं मोटी हो जाती हूँ। ये कहते हैं हाथ दे, तुम्हें जब घर जाती हो जब तुम्हें मोटा होना चाहिए और जब तुम यहाँ आती हो पता नहीं क्यों हो जाता है कभी कभी ना। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ तो होता है क्योंकि मेरे ये बेटा ना, मेरा ऑपरेशन से हुआ था तो उस टाइम तो मेरा पेट ना बहुत ज़्यादा फूल गया था। ऑपरेशन की बात बोलते ना, फूल गया था। फिर मैंने नॉलेज थी मुझे तो मैंने अपना पेट कम करा, बहुत लोगों को कराया भी। और हाँ, मुझे, मैं सिर्फ डेली ब्लॉग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरा चैनल ही ऐसा कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मुझे नॉलेज बहुत चीज़ों की है क्योंकि बहुत चीज़ मेरे को आती है, जैसे मेकअप वगैरह करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो पता है मैं क्यों नहीं करती हूँ कि यार जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं कई वो लोग हमसे बुरा ना माने कि इन लोगों ने हमारी जगह ले ली या हमारी वो कर रहे हैं, तो मुझे इस तरह से लगता है। तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं, जो हम डेली व्लॉग डाल रहे हैं तो यही ठीक है। पर कभी कभी मेरा मन करता है कि जब मुझे कुछ आता है अलग से तो मैं क्यों ना करूँ, फिर अंदर से ना ऐसे लगता है कि नहीं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और क्या बोल रही थी, भूल जाती हूँ, पता है मुझे भूलने की बीमारी भी हो गई है। मैं इतनी बातें भूलती हूँ ना, मैं ये मुझे सांप कुछ रखने के लिए देंगे, रख दूँगी अच्छी तरह, वो रखी भी रहेगी, उसके बाद क्या होता है इन्होंने मुझसे 2 घंटे बाद मांगी वो चीज़, मैं भूल जाती हूँ कहाँ। फिर ये गुस्सा करता है ना, फिर हमारी लड़ाई होती है, भैड़ भैड़ लड़ाई होती है सच में। अपनी चीज़ अपनी खुद रखा करो यार, हमसे नहीं है, पता है बहुत वो होता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो प्लीज़ मुझे बताना। और इस चीज़ का ज़रूर बताना कि मैं अलग से कुछ ट्राई करूँ, तो आप लोग चाहते हो देखना, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो भी पूरी फुल वॉच किया करो यार, 10 मिनट का वीडियो होता है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो ठीक है, ब्लॉग कंटिन्यू करते। क्या हुआ तुम्हें? मैं बनाऊँगी मैगी। और आप पता है बड़ा दिमाग ख़राब कर रही है, कह रहे वो आज मुझे बड़ी ठंड लग रही है, बताओ इन्हें अभी से ठंड लग रही है, बारिश ने थोड़ा सा ठंडा मौसम क्या करते हैं, इनको ठंड बहुत जल्दी लगती है, इनको गर्मी बहुत जल्दी लगती है। और इनने कसम खा रखी है कि इनको यूँ नहीं रहना, इनको यूँ ही रहना है। चलिए बना लेते हैं, मोर को मैगी खानी है। मैगी देख के ना खुश हो जाता है, पता नहीं मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं खाता है वो लड़का, बस आलू का पराठा खा लेगा, आलू की कचौड़ी खा लेगा, मैगी वैगी खा लेगा, नमकीन बिस्किट खा लेता है, बस रोटी सब्जी नहीं खाता है। ये चीज़ ना ज़्यादा दिन भी होती है ना कचौड़ी और ये आलू का पराठा, तो ये बच्चों को ज़्यादा ऑयली भी नुकसान करता है। ये देखो सुन नहीं रहे मेरी बात, दोनों के दोनों खड़े कैसे खा रहे हो? तो यहाँ पे हम बैठ गए मैगी खाने। तो अभी मैंने 8-9 दिन बाद ही बनाई है क्योंकि वो पैकेट बच रहा था, तो मैंने कहा चलो इसे ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि फिर डेट वीट का इशू होता है, तो फिर डेट वीट ख़त्म हो जाएगी तो फिर बेकार जाएगी। और तो ये भी खा लेता है, इसका भी पेट भर जाता है, और इसका पेट भर जाता है ना तो मेरे को लगता है कि सबका पेट भर गया क्योंकि ये बहुत कम ही खाता है रोटी सब्जी, तो दूध दूध पीता है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लेता है, लेकिन रोटी सब्जी में पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सो के उठाता तो मैं इसे जगा के लाई थी, तो ये मुझसे बोल रहा था मम्मा गोदी में ले चलूँगा चलूँगा आपकी और आप मेरे सारे टॉयज़ पकड़ लो, तो मैंने कहा गोदी में टॉयज़ है मेरे बेटा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ।
तो बस पीठ पे बिठा के उसे देखो यहाँ खड़ा कर दिया है, तो वो आप लोगों से हेलो कर रहा है। तो बस ये देखिए, ये देखो क्या क्या करता है, ये देखो ये बोला लाइक करना। तो इधर मैं आ गई हूँ आलू चढ़ाने, मुझे बनाना है बहुत अच्छा सा डिनर, यानी मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो कभी कभी करता है, तो मौसम थोड़ा ठीक था तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा गर्मी होती तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ कचौरी का आटा। तो मैंने उसमें डाल लिया था जीरा हल्का सा और थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने से क्या होता है ना, खस्ता खस्ता कचौड़ी बनती है। तो उसके बाद मैं अपने आलू चेक कर रही थी और ये मेरा कुकर ना गिर गया था मेरे हस्बैंड से ही, तो इसका जो हैंडल होता है प्लीज वो गिर गया था। कभी आप लोग बोलोगे ऐसा कुकर है वो गिर गया था, अब उसको लगवाने का टाइम नहीं मिला। मैं हॉकिंग वाला लूँगी अच्छा वाला, ये भी अच्छा है। इसमें से ना कभी आज तक दाल वाल कुछ नहीं निकली। तो इधर बना रही हूँ मैं खीर, और क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ खीर और कचौड़ी, इनकी बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस मैंने इसमें से चावल निकाली है, और ये चावल ना हमारे घर से ही आते हैं यानी ससुराल से, तो घर में होते हैं ना खेत में, तो बस मम्मी वो करवा के रख देती हैं। तो बहुत सारे थे ये पहले, अब कम हो गए। तो उसके लिए मैं आप पिट्ठी के लिए आलू मैंने छील लिए थे, इन्होंने छील दिए थे। कुछ हेल्प भी करा देते हैं जब बैठे होते हैं, तो वैसे तो मैंने नहीं कराती ऐसे काम, लेकिन जब थाली बैठे होते तो कहते हैं लाओ कर देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे जल्दीबाजी होती है ना तो हेल्प कर देते हैं, वैसे तो नहीं कराती मैं। तो इसके लिए मैं धनिया काट रही हूँ, यहाँ धनिया भी काट लूँगी, और कचौड़ी में या पराठों में धनिया ऐड कर दो ना तो दुगना स्वाद बढ़ जाता है। तो मैंने आज ही मंगाया था ये फ्रेश फ्रेश धनिया, मैंने कहा अच्छा से लेके आना, और धनिया भी ना 40 रुपये किलो हो गया है। तो उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे, चावल ऐड करने के बाद शुगर ऐड करने के बाद ये क्या बोलते हैं इसको, वो डाल दिया था। तो उसके बाद आ गई थी मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाने, क्योंकि मैं घर में कुछ भी मीठा खट्टा बनाती हूँ ना, मैं इनको ज़रूर भोग लगाती हूँ, सबसे पहले इनको ही लगाती हूँ। इन्होंने खा लिया तो फिर उसके बाद हम भी खा लेते हैं। तो ये देखो यहाँ मेरे फोटो शूट कर रहे थे, तो मैं सोचा क्या आप भी क्या करते हो, हट ही नहीं रहे थे। आज हमारे घर ना पूरी कचौड़ी बनी थी, इनका बहुत मन था और इनका फेवरेट है ये खाना, इस चीज़ का खाना इनको भी पसंद है, मेरे बेटे को भी। तो ये वीडियो ज्वाइन कर देते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। फिर से मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ आपकी अनु, तब तक के लिए नमस्ते बाबा।